दोस्तों क्या हालचाल है आपके। तो आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष मंडली में। फिलहाल सामने अपने मारुति सुजुकी स्विफ्ट फोर्थ जनरेशन ZXi वेरिएंट आप देख सकते हैं। व्हाइट कलर में इतना शानदार लुक निकल कर आया है अभी गाड़ी का। यह है ZXi वेरिएंट। तो अगर आप मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फोर्थ जनरेशन का ZXi वेरिएंट का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट देखना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे मेरे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं ZXi वेरिएंट कितना शानदार लुक और कितना शानदार लुक निकल कर रहा है इस गाड़ी के साथ में। भाई मारुति ने बहुत जबरदस्त काम किया अपनी गाड़ी में स्विफ्ट में। ऐसे ही तो ये टॉप सेलिंग में अपनी जगह बनाई लेती है, लेकिन इसके शानदार लुक्स और शानदार फीचर्स एड ऑन होने के बाद में इस गाड़ी की सेल्स और बढ़ने वाली है। बस हम सबको इस गाड़ी का बेसब्री से इंतजार था, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की फोर्थ जनरेशन का। तो भाई सामने आ चुकी है खरगोन में हमारे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते गाड़ी के फ्रंट से। तो भाई इस तरह से गाड़ी का पूरा फ्रंट देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा बदलाव किया है मारुति ने इस गाड़ी की, जो सामने से थोड़ी हाइट बढ़ा दी गई है। चलते हैं गाड़ी के साइड में। तो यहाँ पर हमें डोर हैंडल में बदलाव देखने को मिलते हैं, लेंथ में बदलाव देखने को मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस में हमें बदलाव देखने को मिलता है इस तरीके से भाई। और सबसे अच्छा बदलाव तो किया है, चेंजेस किया है गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। आप देख सकते हैं भाई गाड़ी का जो रियल टेल लैंप है बहुत शानदार लुक से आए हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार, ऑलवेज ऑन मोड पे ही चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक के लिए ये है, जब हम दबाएंगे ब्रेक को, जब ये दबेगा वक्त यहाँ पर हमें मिल जाता है टर्न इंडिकेटर मिल जाए, ये रिवर्स लैंप मिल जाता है, यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। बहुत शानदार ज़बरदस्त बदलाव किए गए। अब देख लेते हैं हम फटाफट, चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। ये मिल जाती है हमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट फोर्थ जनरेशन का ZXi वेरिएंट। ये मिल जाता है हमें एक्स रूम मिल जाता है 8,30,000 रुपये में। बात करते हैं गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो फिलहाल अभी आया हूँ मैं मारुति सुजुकी निर्माण मोटर्स एरेना जेतापुर रोड खरगोन। यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑन रोड 9,63,000 रुपये में गाड़ी हमें ऑन रोड मिल जाती है। बाकी डिटेल्स के लिए आप शोरूम पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आप शोरूम देख सकते हो यहाँ पर खरगोन में हमारे। बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो भाई यहाँ पर हमें मिल जाती है ग्रिल मिल जाती है ग्लोसी ब्लैक फिनिश में। आप देख सकते हैं कितना शानदार लुक निकल कर आया है गाड़ी के साथ में। यहाँ पर हम हार्न की ये पूरा ग्लोसी ब्लैक में है, आप देख सकते हैं कितना शानदार लुक निकल कर आया है। चलते हैं गाड़ी के साइड में इधर। तो यहाँ पर हमें फोग लैंप नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर हमें कंपनी द्वारा ही LED फोग लैंप मिल जाते हैं बहुत शानदार लाइट थ्रो के साथ में। ऊपर चलते हैं तो भाई यहाँ पर हमें मिल जाती है गाड़ी की हेडलैम्प, यहाँ पर हमें मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें DRL मिल जाती है। इसका जो नीचे वाले वेरियंट है यहाँ पर हमें इसमें क्रोम की पट्टी मिलती है, लेकिन ये है ZXi वेरिएंट है सेकंड टॉप वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पर हमें DRL मिल जाती है, यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। भाई जो लोग हेडलैम्प बदलाव करवाते थे अपनी गाड़ी को आफ्टर मार्केट जाकर इसमें ग्लोसी ब्लैक करवाते थे, वो काम अब कंपनी ही करके दे रही है। तो बहुत बहुत अच्छा शानदार काम किया है कंपनी की तरफ से। तो इस तरीके से बहुत शानदार थ्रो निकल कर आता है गाड़ी के लाइट का और एक अच्छा खासा लुक भी निकल कर आता है गाड़ी के फ्रंट हेडलाइट का। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है सुजुकी का लोगो मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें दो वाशर मिल जाते हैं, साथ में दो वाइपर मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये गाड़ी का वाइट कलर है, यहाँ पर हमें बैगमा ग्रे कलर भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं। चलते हैं भाई गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, देखते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल को। तो इस तरह से भाई पूरी गाड़ी का साइड प्रोफाइल है। यहाँ पर हमें करेक्टर लाइन मिल जाती है जो सीधा ए फेंडर स्टार्ट होती है तो सीधा लास्ट तक जाती है। इस तरह से भाई गाड़ी का पूरा साइड प्रोफाइल है 185/65R15। यहाँ पर 15 इंच का टायर साइज मिल जाता है हमें, व्हील अलॉय व्हील मिल जाता है यहाँ पर, साथ में डिस्क ब्रेक मिल जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं सिंगल टोन के साथ में, लेकिन ज़बरदस्त लुक आ रहा है। मिल जाता है गाड़ी का ओरियो मिल जाता है बॉडी कलर में, जिससे हम इलेक्ट्रिकली फोल्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाते हैं। चलते हैं भाई। तो ये गाड़ी का ZXi वेरिएंट है, यहाँ पर हमें मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से गाड़ी का यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पर इधर मिल जाता है ड्राइवर साइड और उस साइड भी मिलता है हमें, को ड्राइवर साइड भी मिल जाता है हमें। चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर पहले मिलता था हमें सी पिलर पर मिलता था गाड़ी का डोर हैंडल, अब मिलता है यहाँ पर हमें डोर पे मिलता है यहाँ पर गाड़ी का डोर हैंडल। यहाँ भी बदलाव किया है, यहाँ पर अब ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में यहाँ पर हमें गाड़ी के साथ में तब आर्ट को किया गया है, जिससे अच्छा खासा लुक निकल कर आ रहा है गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर यहाँ पर हमें ब्लैक कलर में मिलते हैं, कितना शानदार लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं गाड़ी के फ्रंट में मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिल जाता है ड्रम ब्रेक मिल जाता है गाड़ी के रियर में। बात पर लंबाई मिल जाती है हमें 3860 mm हमें गाड़ी की लंबाई मिल जाती है, जो 15 mm गाड़ी की लंबाई को बढ़ाया गया है। विड्थ मिल जाती है मतलब चौड़ाई मिल जाती है, तो वो मिल जाती है 1735 mm गाड़ी की पूरी चौड़ाई मिल जाती है।
1725 गाड़ी की चौड़ाई मिल जाती है, 1520 mm गाड़ी की हमें हाइट मिल जाती है, व्हील बेस हमें उतना ही मिलता है, कितना मिलता है 2450 mm का गाड़ी का हमें व्हील बेस मिलता है, 163 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 37 लीटर का फुल टैंक मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। इस तरह गाड़ी का पूरा डायमेंशन कवर होता है। अब चलते हैं गाड़ी के, ये गाड़ी का रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मिल जाता है हमें एक माइक्रो एंटीना मिल जाता है गाड़ी का रूफ पे। यहाँ पर हाई माउंटिंग स्टॉप लैंप मिल जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें वॉशर मिल जाता है, यहाँ पर डिप फॉगर, यहाँ पर वाइपर, क्योंकि ZX5 वेरिएंट है इसलिए हमें यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर रियर टेल लैंप मिल जाता है, कुछ न्यू शेप में यहाँ पर दिया गया आई शेड, यहाँ ग्लोसी ब्लैक का उपयोग किया गया है। यहाँ पर हमें रेड कलर में ऑलवेज ऑन मोटर मिल जाता है। यहाँ पर 3.1, 2, 3 पॉइंट में यहाँ पर गाड़ी के हमें टेल लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाती है, यहाँ पर टर्न रेडिएटर मिल जाता है। बम्पर के तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है आप देख सकते हैं गाड़ी के हुड के ऊपर। 37 लीटर का यहाँ पर हमें गाड़ी का फ्यूल टैंक मिल जाता है। ये एक्सटीरियर होता है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, उसके लिए चाहिए हमें गाड़ी की की। चलते हैं गाड़ी के अंदर, उसके लिए चाहिए हमें गाड़ी की की। तो कुछ तरह से हमें गाड़ी की मिल जाती है। यहाँ पर हमें कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लॉक, यहाँ पे अनलॉक। अब चलते हैं गाड़ी को लॉक करते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इसको उपयोग करते हैं। यहाँ पर इसकी सहायता से हम गाड़ी के डोर को ओपन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गाड़ी के डोर ट्रिम को। तो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर के साथ में यहाँ पर हमें सैटन सिल्वर फ्लिस में यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर दिया गया, जिससे एक अच्छा खासा गाड़ी में लुक आ रहा है डोर को लेकर। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं क्रोम में डोर हैंडल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक स्विच मिल जाता है। यहाँ पर और व्यूम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें स्विच मिल जाता है, फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पर हमें एक लीवर दिया गया है। यहाँ पर लॉक अनलॉक करने के लिए डोर को स्विच मिल जाता है, यहाँ विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर भी स्विच मिल जाता है, चारों पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं यहाँ पर हमें। डाउन के साथ में ऑटो अप दोनों के फीचर मिलते हैं, ऑटो डाउन और ऑटो अप दोनों फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं हमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ मैप पॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर सॉफ्ट टच का उपयोग किया गया है आप देख सकते हैं, कितना शानदार लग रहा है। बाकी ऊपर हार्ड टच है, यहाँ पर सॉफ्ट टच है। यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं हमें 1, 2, 3, 4 स्पीकर, 4 डोर पर 4 स्पीकर मिल जाते हैं। साथ में 2 ट्यूटर मिल जाते हैं, 1 और 2 ट्यूटर मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट को तो यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर एयरबैग की बजिंग मिल जाती है आप देख सकते हैं। थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर हमें। साथ में जो साइड बोल्डर है ये भी अच्छे मिल जाते हैं। बैग को एडजस्ट करने के लिए लीवर मिल जाता है। यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है आप देख सकते हैं। इसकी सहायता से हम गाड़ी की हाइट की सीट की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो बैठते हैं भाई गाड़ी के अंदर। इस तरीके से गाड़ी के अंदर आ गए भैया हम। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले गाड़ी को हम ब्रेक लगा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस तरह से गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट होती है। इसको बंद करते हैं गेट को। तो भाई यहाँ पर स्टार्ट किया है यहाँ पर हमने। यहाँ पर इस तरह से गाड़ी का हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें एक तरफ स्पीडोमीटर, एक तरफ टेकोमीटर, छोटी सी MID मिल जाती है। इसमें तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, ड्राइवर साइड, एयरबैग, ABS, EBD, ये सारे जितने भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है सब यहाँ पर हमें सामने देखने को मिल जाती है। इधर यहाँ पर हमें स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच मिल जाता है। AC की कूलिंग बहुत शानदार है भाई गाड़ी के अंदर, बहुत जल्दी से कूलिंग कर रही है। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, इसके साथ में क्रोम का उपयोग किया है सिल्वर में। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए मिल जाता है स्विच मिल जाता है। यहाँ पर एडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पे हेडलैम्प को लेवर करने के लिए स्विच मिल जाता है। नीचे यहाँ पर 2 स्विच मिल जाते हैं, एक तरफ हमें बूट को ओपन करने के लिए और एक फुल कैप को ओपन करने के लिए स्विच मिल जाते हैं। अब बात कर रहे थे गाड़ी के स्टेयरिंग की, तो यहाँ पर हम टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, केवल टिल्ट का ही ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं हमें, वाइपर मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं। चलते हैं भाई गाड़ी के स्टीयरिंग पे, तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर टेलीफोन के कंट्रोल मिल जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। चलते हैं गाड़ी के सेंट्रल कंसोल में, तो यहाँ पर हमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ में नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर हमें। देख लेते हैं गाड़ी के रिवर्स में, तो यहाँ पर हमें गाड़ी के रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जैसे गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है सारी। देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से यहाँ पे वर्क करता ही है। फिलहाल इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, तो AC वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी का फ्रंट जो केबिन डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम और कितना शानदार ऐसा लगता है गाड़ी की कि हम नेक्सा, मारुति सुजुकी नेक्सा की गाड़ियों में बैठे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है स्विफ्ट का पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया आप देख सकते हैं। यहाँ पर हजार्ड लैंप मिल जाते हैं, टिकटॉक। यहाँ पर मिल जाते हैं हमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लोअर स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए, यहाँ पर टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए। साथ में ये
ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ टॉगल स्विच मिल जाता है, इस तरीके से भाई तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं एसी को लेकर। बात करते हैं ग्लव बॉक्सों में, तो यहाँ पर हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है इस तरीके से। ऊपर चलते हैं तो भाई यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है सनवाइज़र में, यहाँ पर हमें नेगेटिव एरर मिल जाता है। यहाँ पर बात करते हैं गाड़ी की आई आर एम की, तो यहाँ पर हमें मैनुअली मिल जाता है, यहाँ पर रीडिंग लैंप मिल जाता है। तो भाई यह है गाड़ी का पूरा फ्रंट डैशबोर्ड कवर होता है। चलते हैं नीचे, तो यहाँ पर 12 वाट का हमें पावर आउटलेट मिल जाता है। यहाँ पर USB और उसको कनेक्ट करने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ दो कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर मिल जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हैंड ब्रेक, यहाँ पर चिल्लर विल्लर रखने के लिए जगह मिल जाती है। इस तरीके से भाई गाड़ी का पूरा फ्रंट केबिन कवर होता है। इसे करते हैं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के एयरबैग को देख लेते हैं। यहाँ पर तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट में पहले मिल जाती है हमें 2 सेफ्टी रेटिंग मिलती थी, अब लेकिन यहाँ पर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। साथ में यहाँ पे एयरबैग भी पहले हमें 2 मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। जो बेस वेरिएंट से हमें इसमें 4 एयरबैग की जगह 6 एयरबैग मिलते हैं टोटल, मतलब टोटल 2 की जगह टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं। कहाँ पर, तो एक ड्राइवर सेट, एक को ड्राइवर सेट 2, फिर सीट पे 3, 4 और कर्टन 5 और एक यहाँ पे कर्टन 6, टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं भाई इस गाड़ी के साथ में। साथ में हमें 4 सेफ्टी रेटिंग स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है इस गाड़ी के साथ में। अब चलते हैं गाड़ी के रियर केबिन में। तो भाई ये गाड़ी का रियर डोर ट्रिम है, आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक कलर का है, इसमें सिल्वर फिनिश का कोई उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक करने के लिए सिल्वर डोर हैंडल का उपयोग किया गया है, लॉक अनलॉक का स्विच, पावर विंडो का स्विच, यहाँ बॉटल होल्डर, यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं हार्ट है, यहाँ पर बॉटल होल्डर, यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है। स्पीकर हमें 1, 2, 3, 4 डोर पर 4 स्पीकर मिल जाते हैं। चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाड़ी में रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो अच्छा खासा थाई सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो इस तरीके से भाई गाड़ी के अंदर नी रूम मिल जाता है हमें, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आप देख सकते हैं। और हेड करते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा हेडरूम भी मिल जाता है। साथ में रियर से देखने पर गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड कुछ हिस्सा देखने को मिलता है हमें, कितना शानदार कितना प्रीमियम दिख रहा है। पूरी तरीके से गाड़ी को अपडेट किया है, 4th जनरेशन को पूरा बदल दिया गया है। चार्जिंग के लिए यहाँ पर सी टाइप और नॉर्मल वाला चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर रियर पैसेंजरों को ध्यान में रखते हैं, सबसे बड़ा अपडेट मारुति सुजुकी स्विफ्ट में ये लगा कि यहाँ पर रियर पैसेंजरों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यहाँ पर रियर पैसेंजरों के लिए रियर एसी वेंट दे दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम किया, पहले नहीं मिलता था। इस तरीके से भाई गाड़ी का पूरा रियर केबिन होता है, 3 लोग बड़ी आसानी से बैठ जाते हैं। 60-40 सीट का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं इनको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाता है पार्सल ट्रे मिल जाता है। तो भाई इस तरीके से, और फ्रंट में यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, ड्राइवर सेट और को ड्राइवर सेट 4 मिल जाते हैं यहाँ पर। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मारुति ने अपनी गाड़ी में अच्छा खासा काम किया है। तो यहाँ पर हमें तीनों रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों के लिए यहाँ पर हमें मिल जाता है सीट बेल्ट मिल जाता है, आप देख सकते हैं ये 60-40 ये 40 और 60, इस तरीके से सीट फोल्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसे करते हैं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस को देख लेते हैं। तो बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर हमें मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसकी सहायता से हम यहाँ पर गाड़ी के बूट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडल भी दिया गया है उसको बंद करने के लिए, ताकि बड़ी आसानी से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टेंस दिए गए हैं, साथ में पार्सल ट्रे मिलती है इस वेरियंट में, क्योंकि ZXI वेरियंट है, सेकेंड टॉप वेरियंट है। यहाँ पर हमें मिल जाता है बूट स्पेस 265 mm, यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है हमें 265 लीटर का मिल जाता है। यहाँ पर हुक मिल जाता है, रीडिंग लैंप की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख यहाँ पर मिल जाता है रीडिंग लैंप, ये मिल रहा है इधर। देखते हैं गाड़ी के स्पेयर टायर को, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है स्टील रिम मिलता है। टायर साइज की बात करते हैं तो वो मिल जाता है हमें, कितना मिल जाता है 165/80R14 इंच का मिलता है हमें। यहाँ पर 15 इंच का टायर मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्टेपनी मिलता है हमें 14 इंच का मिलता है। तो इस तरीके से भाई गाड़ी का बूट भी कवर होता है। इसे करते हैं बंद। तो भाई ये है गाड़ी का पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर, आपने वीडियो में देख लिया है। गाड़ी की बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो ये मिल जाती है हमें एक्स रूम मिल जाती है ZXI स्विफ्ट ZXI मिल जाती है 8,30,000 रुपये में। बात करते हैं गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये मिल जाती है हमें 9,63,000 रुपये में गाड़ी ऑन रोड मिल जाती है, मारुति सुजुकी निर्माण मोटर्स खरगोन जैतापुर। तो इस तरह से गाड़ी का पूरा रिव्यू आपने देख लिया है। गाड़ी कैसी लगी वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना मनीष मंडल यूट्यूब चैनल को। तो इस तरह से पूरी गाड़ी का आपको मैंने वॉक अराउंड रिव्यू करवा दिया है, अब कुछ चीज़ें भूलता हूँ तो इसके लिए सॉरी। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो पहले शेयर करना अपने दोस्तों साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं गाड़ी के इंजन वे को लेकर, सबसे ज़्यादा बदलाव गाड़ी के इंजन वे में हुआ था। तो भाई
अगर आप गाड़ी में थ्री सिलेंडर है थोड़ी बहुत नॉइस केबिन के अंदर जाएगी, इसलिए यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे पेड का उपयोग किया गया इंसुलेशन पेड का, ताकि केबिन को साइलेंट बनाए रखें। सही बात करते हैं गाड़ी के इंजन वे की, तो इसमें मिल जाता है हमें जेड सीरीज का। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन वे का, इसमें मिल जाता है हमें जेड सीरीज का इंजन मिल जाता है 12 सीरीज के साथ में थ्री सिलेंडर। बात करते हैं गाड़ी के पावर की, तो मिल जाता है 81 bhp का यहाँ पे पावर मिल जाता है। बात करते हैं गाड़ी के टॉर्क के बारे में, इसमें मिल जाता है 112 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। यहाँ पर ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल चार्जर की यूनिट यहाँ पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना शानदार इंजन की प्लेसमेंट, पूरी सेम टू सेम ऐसा लगता है जैसे फोर सिलेंडर की तरह ही की गई है। आप देख सकते हैं शानदार नीचे कवरिंग किया गया है ताकि इंजन को गंदा होने से बचाया जा सके। आप देख सकते हैं तो इस तरीके से भाई गाड़ी का यहाँ पर हमें इंजन मिलता है। माइलेज की बात करते हैं तो भी मिल जाता है, पहले मिलता था 22-23 के माइलेज मिलता था, लेकिन अब कंपनी क्लेम करती है 26-27 का माइलेज भी क्लेम कर रही है, लेकिन रियल कंडीशन में देखिए 25 का माइलेज देगी ये गाड़ी। तो भाई ये बदलाव है गाड़ी के इंजन को लेकर। गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का 4th जनरेशन ZX5 रेंट। बात करते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो ये मिल जाती है एक्स शोरूम 8,30,000 रुपये। बात करते हैं गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो फिलहाल अभी मैं हूँ मारुति सुजुकी निर्माण मोटर्स जेतापुर खरगोन। संडे है तो यहाँ पर अभी थोड़ा क्राउड कम है। बात करते हैं गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये मिल जाती है हमें 9,63,000 रुपये में। तो भाई ये थी गाड़ी, गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, गाड़ी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मनीष मंडल यूट्यूब चैनल को। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।